एक बार की बात है, गोविंदपुर नामक गांव में निहारिका अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। निहारिका के माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपने माता पिता की तरह गरीबी में जीवन यापन ना करे, उसकी जिंदगी खुशहाल हो, उसका भविष्य सुनहरा हो। लेकिन निहारिका को पढ़ाई से ज्यादा शौक डांस करने का था। उसे जहाँ मौका मिलता वहाँ डांस करना शुरू कर देती। आस पड़ोस की शादियों में भी बिन बुलाए मेहमान की तरह चली जाती और वहाँ जाकर खूब मन लगाकर डांस करती। ऐसे ही एक दिन, निहारिका मैंने मना किया था ना सुमित्रा बहन की बेटी की शादी में जाकर डांस मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अरे जमुना बहन, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी बेटी ने बहुत अच्छा डांस किया है। मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है, ना कि घर घर जाकर उसे नचाना है। निहारिका तुम घर चलो, तुम्हारी तो मैं अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। जमुना अपनी बेटी को घर ले जाती है। निहारिका अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और घर जाकर अपने पिता से कहती है, बापू देखो ना, माँ मुझे डांस नहीं करने देती, मुझे डांस करने से रोकती है, मुझे डांस करने का बहुत शौक है बापू। अरे बिटिया, मैं तेरा भला चाहती हूँ, नाचने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ लिख लेगी तो दो पैसे की नौकरी कर लेगी, नाचने से क्या होगा, कुछ नहीं। अरे बिटिया, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने नहीं की तो देख हम कैसे मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके तुझे कितने मुश्किलों से पढ़ाते हैं। क्या तू भी चाहती है कि तू भी आगे चलकर हमारी तरह ऐसी ही जिंदगी व्यतीत करे? माँ आपको नहीं पता, डांसिंग में भी फ्यूचर है। मुझे नहीं पता नाचने में भविष्य बनता है या नहीं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद सोचना क्या करना है, डांस करना है, नाचना है, गाना गाना है, जो करना है वो करना, लेकिन फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ठीक है? निहारिका अपनी माँ से वादा कर लेती है कि अब वह पढ़ाई से ध्यान नहीं हटाएगी, वह फोकस से पढ़ाई करेगी। और जमुना भी निहारिका को डांस करने से नहीं रोकती और अब उसे जहाँ मौका मिलता वहाँ डांस करती और पढ़ाई भी मन लगाकर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में क्लास टीचर सभी बच्चों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास शांति से मेरी बात सुनो, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है। जिस किसी को भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे अपना नाम लिखवा दे। और हाँ, तुम्हें यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि यह डांस कंपटीशन का जो भी विजेता होगा उसे 50,000 रुपए की धनराशि और मुंबई जाने का मौका मिलेगा। क्या सच में 50,000 रुपए की धनराशि और मुंबई जाने का मौका? मुझे तो कब से मुंबई जाने का इंतजार था। देखना, इस डांस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। तुझे तो इतना ज्यादा अच्छा डांस आता भी नहीं है जितना अच्छा डांस मुझे आता है। इस डांस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी, कोई मेरे आगे टिक नहीं पाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो स्टेज पर देख लेना कि कौन जीतने वाला है। तुम दोनों अपनी अपनी दाल पका रही हो, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि हमारे स्कूल की सबसे बेहतरीन डांसर है निहारिका, जो सभी फंक्शन में फर्स्ट नंबर पर आती है। उसका डांस सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इस डांस कंपटीशन को भी निहारिका ही जीतेगी और कोई नहीं, क्योंकि उससे अच्छा डांस पूरे स्कूल में कोई नहीं करता, वो सबसे अच्छा डांस करती है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, वो छोटे मोटे डांस कंपटीशन जीत जाती है, लेकिन वो गरीब टीचर इतना बड़ा डांस कंपटीशन नहीं जीत पाएगी, और हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार हम उसे जीतने ही नहीं देंगे। अभी डांस कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ था और सभी स्टूडेंट आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्लास टीचर सभी बच्चों को शांत कराती हैं और उसके बाद जो भी बच्चे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे उन सभी का नाम लिखती हैं। निहारिका, सपना, काजल, तारा, सुनैना, सितारा, मंजू, अच्छा तो तुम इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। लंच के बाद जो भी खाली पीरियड होगा उसमें सभी लड़कियों का डांस देखा जाएगा
और तुम सातों लड़कियों में से किन्हीं चार लड़कियों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? क्लास टीचर ऐसा कहकर चली जाती है और सातों स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, और स्पेशली निहारिका, क्योंकि उसे अपना सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा था। वह क्लास में बैठी हुई सपना देख रही थी कि कैसे उसे मुंबई जाने का मौका मिला और वह कैसे मुंबई की मशहूर डांसर बन गई। निहारिका, निहारिका किन सपनों में खो गई? अरे यार, उठ भी जा, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? क्या कोई सपना देखा है? तारा, तुझे नहीं पता मैंने अभी कितना ज्यादा अच्छा सपना देखा। अभी तो डांस कंपटीशन हुआ भी नहीं है और मुझे अभी से सपने आ रहे हैं कि मैं डांस कंपटीशन जीत गई, मुझे मुंबई जाने का मौका मिला है और मैं मुंबई की मशहूर डांसर बन गई। चारों तरफ मुझसे ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहे हैं, मेरे माता पिता को मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। काश काश ये सपना सच हो जाए और मैं ये डांस कंपटीशन जीत जाऊं। निहारिका, तू बहुत अच्छा डांस करती है, तेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। इस डांस कंपटीशन को तो तू ही जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तारा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हमेशा तू मेरा साथ देती है, मेरा हौसला बढ़ाती है। चल जल्दी से चलते हैं, कहीं मैम को गुस्सा ना आ जाए। निहारिका बहुत ही ज्यादा खुश थी और सभी स्टूडेंट कावेरी मैम के पास चले जाते हैं। कावेरी मैम एक एक कर सभी स्टूडेंट का डांस देखती हैं। सपना, काजल, सुनैना, मंजू, सितारा सब डांस कर दिखाती हैं। लेकिन जब बारी निहारिका की आती है और वह डांस करती है तो कावेरी मैम को उसका डांस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट से अच्छा डांस किया है, तुम्हारा डांस तो बहुत अच्छा है, थोड़े दिन और प्रैक्टिस करोगी तो शायद इस कंपटीशन को तुम ही जीत जाओ। निहारिका, वेल डन, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अच्छा तो ठीक है, डिसाइड हो चुका है, तुम चारों लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी हो। फर्स्ट नंबर पर निहारिका, सेकंड सपना, थर्ड काजल एंड फोर्थ सुनैना। तुम चारों लड़कियां इस डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगी। और भी क्लास की लड़कियां सिलेक्ट हो चुकी हैं। निहारिका बहुत खुश होती है कि उसे फर्स्ट पोजीशन मिली है और क्लास टीचर ने उसकी इतनी ज्यादा तारीफ की है। लेकिन और लड़कियां निहारिका की तारीफ सुनकर जल भुनकर राख हो जाती हैं। काजल, तुझे लगता है कि इस निहारिका की बच्ची के होते हुए हमारा चांस है? यार, एक तो इतने मुश्किलों से मुंबई जाने का मौका मिला है और वो भी इस निहारिका की बच्ची की वजह से हाथ से निकल जाएगा। तारा ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, निहारिका की बच्ची के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, इस डांस कंपटीशन को तो वो ही जीती हुई नजर आ रही है। सपना, इस बात में तो कोई शक नहीं कि निहारिका का डांस सबसे ज्यादा अच्छा था, वो बहुत अच्छा डांस करती है, इसके आगे हम भी फेल हैं। ये गरीब लड़की इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती है? हमने तो डांस एकेडमी में भी अपना एडमिशन लिया है लेकिन फिर भी इतना अच्छा डांस नहीं कर पाते जितना अच्छा ये गरीब कर पाती है। मुझे उस गरीब के गुणगान नहीं सुनने, बस मुझे मुंबई जाना है। मैं मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ, मैं मुंबई की मशहूर डांसर बनना चाहती हूँ और ये मौका मुझे मिल रहा है और मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकालना चाहती। काजल, तुझे तो बहुत अच्छा आइडिया आते हैं, फिर आज कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा? कुछ करती हूँ, एक आइडिया है मेरे पास, इस निहारिका की बच्ची को उड़ने दे, जितना उड़ना है एक बार ही इसे जमीन पर गिराऊंगी, उसके बाद देखती हूँ कि ये इस डांस कंपटीशन को कैसे जीत सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे। मुझे पता है, तो बिना लालच के तो कोई काम नहीं करेगी, इसलिए तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। इस डांस कंपटीशन को मुझे ही जीतना है, मैं ही मुंबई जाऊंगी, देखना मेरी किस्मत के तारे मुंबई जाकर जरूर चमकेंगे, मैं मुंबई की मशहूर डांसर जरूर बनूंगी। सपना भी मुंबई जाने के सपने देख रही थी, लेकिन वो गलत तरीके से मुंबई जाने के सपने देख रही थी। निहारिका घर जाकर अपनी माँ को सब बताती है, तभी निहारिका की माँ कहती हैं, निहारिका भूल गई, तूने क्या वादा किया था? तू अपने वादे को कैसे भूल सकती है? तूने कहा था कि तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। अरे माँ,
मैं पढ़ाई कहाँ छोड़ रही हूँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रही, लेकिन देखिए पढ़ाई के साथ साथ मेरा सपना भी पूरा हो रहा है। अगर मैं इस डांस कंपटीशन में जीत गई तो समझो कि आपकी और आपकी बेटी की लॉटरी ही निकल आएगी, मुझे मुंबई जाने का मौका मिलेगा और मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, वादा किया है तो वादा पूरा करूंगी। निहारिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अपनी बेटी के चेहरे पर यह खुशी देखकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं। अगले दिन निहारिका स्कूल में जल्दी जाती है और वह तारा के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी काजल आती है और वह उसे बहाने से टेरिस पर ले जाती है और वहां ले जाकर धक्का देकर गिरा देती है। टेरिस से नीचे गिरते ही निहारिका की मृत्यु हो जाती है। निहारिका की चीख की आवाज सुनकर पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है और निहारिका की मृत्यु होते ही वह चुड़ैल बन जाती है, उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। सब रो क्यों रहे हैं और मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं चुड़ैल बन गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। काजल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे मार दिया, क्यों क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? काजल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं मरते ही चुड़ैल बन गई, मेरे माता पिता का क्या होगा? देखा सपना, मैंने कहा था ना, तेरा पत्ता ऐसे साफ करूंगी कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी। तेरे रास्ते से कांटा निकाल दिया है, अब तेरा रास्ता साफ है। इस डांस कंपटीशन को तो तू ही जीतेगी। इसका मतलब काजल ने मुझे सपना की वजह से मारा? मैं इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सकूं इसलिए इसने मुझे मार दिया? इसने मुझे मेरे सपने से दूर किया, मेरे माता पिता से दूर किया। काजल और सपना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे डांस कंपटीशन की वजह से मारा है ना, अब यह चुड़ैल स्कूल में रोज नाचेगी और तुम्हें परेशान करेगी और डांस कॉम्पिटिशन मैं तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। यह चुड़ैल जिसे तुमने अपने रास्ते से हटाया है ना, वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगी, कभी नहीं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। निहारिका चुड़ैल बनकर अपनी मौत का बदला लेने का फैसला करती है। सपना और काजल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि उन्होंने अपने रास्ते का कांटा साफ कर लिया। निहारिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था और अब सपना और काजल और सभी लड़कियां डांस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ निहारिका चुड़ैल बनकर स्कूल में रोज नाचा करती थी। वह रोज नाचती थी और निहारिका के घुंघरों की आवाज सिर्फ और सिर्फ सपना और काजल को ही जाती थी। अरे यार, इतना ज्यादा शोर कौन मचा रहा है? घुंघरू पहनकर नाचना जरूरी है क्या? सर में दर्द हो गया। छम 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 छम, उतार दो ना घुंघरू। हाँ यार, घुंघरू पहने जरूरी नहीं है, हम डांस कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हैं, डांस कंपटीशन में अभी गए नहीं। घुंघरू उतार दो, सर में दर्द हो गया, फटने को हो रहा है। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? घुंघरू 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 कौन कर रहा है? छमछम कोई भी तो नहीं, किसी ने घुंघरू नहीं पहन रखे और तुम्हारा रोजाना का ड्रामा हो गया। जब देखो डिस्टर्ब करती रहती हो, किसी ने घुंघरू नहीं पहन रखे और तुम्हें कहाँ से आती है घुंघरू की आवाज? पागल हो क्या? यही घुंघरू तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। तुमने इस डांस कंपटीशन को जीतने के लिए मुझे रास्ते से हटाया है ना, देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। निहारिका दोबारा से नाचना शुरू कर देती है और उसके घुंघरों की आवाज और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। सपना और काजल के कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। घुंघरों की आवाज से दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उनके पेरेंट्स स्कूल में आकर प्रिंसिपल मैम से कहते हैं, आखिर आपके स्कूल में ऐसा क्या है, हमारी बच्चियों को आपके स्कूल में से घुंघरू बजने की आवाज आती है, कहीं इस स्कूल में कोई भूत प्रेत तो नहीं? देखिए, हमारे स्कूल में कोई भूत प्रेत नहीं है, शायद आपकी बेटियों को गलत फहमी हुई है। इस स्कूल में और भी तो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें तो घुंघरू बजने की आवाज नहीं आती। देखिए प्रिंसिपल मैम, हमारी बच्चे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। आपको अपने स्कूल को किसी तांत्रिक बाबा को दिखाना चाहिए। तुम्हारे स्कूल में कोई ना कोई ऐसा
भूत है जो रोजाना डांस करता है और उसके घुंघरू की आवाज हमारी बच्चियों को आती है। जल्दी से जल्द कोई एक्शन लीजिए, वरना अगर हमने एक्शन लिया तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। सपना और काजल के पेरेंट्स की धमकी सुनकर प्रिंसिपल मैम डर जाती हैं और वो एक तांत्रिक बाबा को बुलाती हैं, तो पता चलता है कि इस स्कूल में एक नाचने वाली चुड़ैल है और वो कोई और नहीं बल्कि निहारिका ही है। निहारिका के माता पिता को बुलाया जाता है और उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। तभी निहारिका कहती है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे नाचने का समय हो गया है, मुझे नाचना है और तुम्हारी बेटियां तो इसी तरह से तड़प तड़प कर मरेंगी। उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मारा था ना, अब वो मेरे घुंघरू की आवाज़ सुनकर ही मरेंगी। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। हमारी बेटियों से बहुत बड़ा पाप हुआ है, उन्हें माफ़ कर दो और इस स्कूल को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डांस मेरी जिंदगी थी और मुझे मेरी जिंदगी से ही दूर कर दिया गया। मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाना चाहती थी। ठीक है, मैं इस स्कूल का पीछा छोड़ दूंगी, लेकिन कल जो इस स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। डरने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे उस डांस कॉम्पिटिशन में नाचना है, जी भर के नाचना है, जी भर के नाचना है। प्रिंसिपल मैम निहारिका की बात मान जाती है और वह उसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका देती हैं और पहली बार स्कूल में एक चुड़ैल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और उसका डांस देखकर सभी जजेस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसे इनाम भी देते हैं। और जैसा कि चुड़ैल ने वादा किया था, वो अपना वादा पूरा करती है। जीती हुई धनराशि अपने माता पिता को देकर इस स्कूल का हमेशा के लिए पीछा छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते सपना और काजल को सजा दिलवा कर जाती है। सपना और काजल जिंदा तो थी लेकिन जेल में चक्की पीस रही थी निहारिका की मौत के इल्जाम में।